लिखिए, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनियम होता है, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनियम होता है, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनियम होता है। इंग्लिश वाला लिखो, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव जानते हैं ना, नहीं मालूम है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहला डॉट प्रोडक्ट क्रम विनियम होता है, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनियम होता है। जैसे हम लोग जानते हैं क्रम विनियम, हम लोग पढ़े थे बचपन में, जब हम लोग बचपन में थे तब हम लोग क्रम विनियम पढ़े थे। क्रम विनियम का नियम बंटन योग पढ़े थे ना, क्रम विनियम और बंटन योग। तो जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब क्रम विनियम मतलब क्रम, नाम से ही पता चल रहा है क्रम विनियम। क्रम विनियम मतलब उसका क्रम को बदलना, तो मतलब इसका बी डॉट ए दोनों का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट क्रम विनियम होता है, मतलब बराबर होता है, मतलब इन दोनों का डॉट और इन दोनों का डॉट हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए इसमें। चलिए लिखिए प्रॉपर्टीज नंबर टू जल्दी से, ये तो लिखो ना, जिसको लिखने में कितना समय लगेगा रे। दो नंबर लिखिए प्रॉपर्टीज नंबर दो, लिखिए डॉट प्रोडक्ट बंटन योग होता है। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट बंटन योग होता है। बंटन योग मतलब, बंटन मतलब क्या होकर हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस टाइप में हो, किस टाइप में हो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यह बंटन योग मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। समझ में आया? तो इसका इसका जो होगा, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वह किसके इक्वल होगा? इसके और इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर लिखिए, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। लिखिए दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट, दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट, दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट, दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट उसके परिमाण के वर्ग, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। लिख लिए? चलिए, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। चलो इंग्लिश में लिखो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज टू द स्क्वेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड, हिज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टू द हिज मैग्नी स्क्वेयर ऑफ हिज मैग्नीट्यूड। ये हो गया। जैसे देखिए, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको लेते हैं, अभी उसको समझिए। तीसरा नंबर में क्या कहता है कि दो समान सदिश किसको बोलते हैं बाबू? उसकी दिशा भी किधर होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, और उसका परिमाण भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तब उस वैसे सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे? समान सदिश। मतलब दिशा भी क्या हो? समान हो, और परिमाण भी उसकी समान हो, तो वह कौन सा सदिश कहलाता है? समान सदिश कहलाता है। दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसको याद रखना है। जैसे देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब देखिए दोनों सदिश बराबर है, समान है, तो जहां वेक्टर ए है वहां इसको क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा लिखते हैं ना। अब देखिए, समान सदिश के बीच और समान दिशा में हो तो उसके लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए? तो ये देखिए, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, इसका वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों समान दिशा में जा रही है और दोनों का परिमाण भी समान है, मतलब दोनों का दिशा भी
परिमाण और दिशा दोनों समान है। वेक्टर ए का कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी का कैप, दोनों क्या है समान है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहां ए है वहां क्या लिख सकते हैं, जहां बी है वहां ये लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ए इंटू ए, और थीटा कितना डिग्री होगा इसका, क्योंकि दो समांतर रेखा हो जाएगा ना, तो इसके बीच का कोण कितना होगा, जीरो डिग्री ना, कोनो कोण तो नहीं बनेगा, थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, जीरो। तो कॉस जीरो डिग्री, ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस ए जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन गुना वन बराबर ए स्क्वायर। क्या देखिए, दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट उस समान सदिश के परिमाण, परिमाण इसका क्या निकलेगा, ए निकलेगा, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, होता है, प्रूफ हो गया ये। चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से, पोज कर दो, देखिए। अब हम लोग इसी में हम लोग यूनिट के टर्म में देखते हैं, किसके टर्म में, यूनिट वेक्टर के केस में, यूनिट यूनिट वेक्टर के केस में, मतलब हो गया इकाई सदिश के केस में, केस में मतलब स्थिति में, इकाई सदिश के स्थिति में, इसका हिंदी क्या होगा, अच्छा इकाई सदिश किसको कहेंगे बाबू, हम बताए थे, मतलब जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, जिसका परिमाण एक हो तो वह क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। वह जिसका परिमाण एक हो, वैसे सदिश जिसका परिमाण एक हो वह क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है, ठीक है। तो इकाई सदिश के लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई सदिश के लिए हम लोगों को जैसे आई कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप दोनों समान समान परिमाण एवं समान दिशा है, जे कैप डॉट जे कैप क्या है, समान परिमाण एवं समान दिशा है, मतलब जे के ही इधर जा रहा है और इसका भी परिमाण एक जे और एक जे, इसका भी एक आई और इसका भी एक आई, और तीसरा है वन के डॉट वन के, दोनों का दिशा भी समान है और परिमाण भी, और परिमाण इसका कितना है, एक एक है, एक एक है, एक एक है। तो यह कौन सा वेक्टर कहला जाएगा, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश कहला जाएगा, और इकाई सदिश जैसे कहलाएगा बबुआ तो इसका परिमाण क्या होगा, मतलब वन होगा। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों के बीच थीटा डिग्री, तो इसका देखिए इसका निकालेंगे आई आई डॉट आई, आई का आई आई, इसका परिमाण एक गुना एक कॉस जीरो, यहाँ भी एक गुना एक कॉस जीरो, यहाँ भी एक गुना एक कॉस जीरो, होगा ना, ए बी कॉस थीटा होता है ना रे, तो इसका भी परिमाण, ए का परिमाण कितना है वन, और बी का भी परिमाण क्या है एक, ए बी कॉस थीटा। अब देखिए दोनों समान दिशा में है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, जैसे दोनों दोनों समान दिशा में है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा, जीरो होगा, कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, वन गुना वन गुना वन बराबर वन, यहाँ भी वन गुना वन बराबर वन, यहाँ भी वन गुना वन बराबर वन, मतलब दो सदिश का, दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वन होता है। आपको जहाँ भी अब क्वेश्चन में मिल जाए आई डॉट आई, तो आप उसको क्या लिख लीजिएगा, वन, जे डॉट जे जहाँ भी मिल जाएगा उसको क्या लिख देंगे, वन, के डॉट के जहाँ भी मिल जाएगा उसको क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, पोज कीजिए। फोर लिखिए बाबू, लिखिए। अब देखिए इसमें दो परस्पर लंबवत सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दो परस्पर लंबवत समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। लंबवत जो भी हो गया सदिश वह उसका परिमाण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिखिए दो परस्पर लंबवत सदिश का, दो परस्पर लंबवत सदिश का, दो परस्पर लंबवत सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा शून्य होता है, दो परस्पर लंबवत सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। लिख लिए, चलो इंग्लिश में लिखो, लिखिए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। अब देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं, यदि यदि देखो दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, लंबवत यही ना है, साइन है ना लंब का, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी ऑन वेक्टर बी। अब इस कंडीशन में देखिए दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना, हमको क्या निकालना है,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब देखिए इस कंडीशन में, अब यहाँ पर ए बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, तो कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होता है बाबू? जीरो। तो ए गुना बी गुना जीरो बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब दो परस्पर लंबवत सदिश का परिम डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? जीरो। दो परस्पर लंबवत सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा, इस बात को याद रखना है। और दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? उसके वर्ग के बराबर होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है इस कंडीशन में। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप, इसका वैल्यू क्या होगा? अब कहिएगा सर ये कैसे जीरो होगा, ये भी हम प्रूव करेंगे, इसका वैल्यू जीरो होता है, यो याद रखना है। जे डॉट के ये भी वैल्यू जीरो होगा, और यहाँ पर आई डॉट के इसका भी वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। अब देखिए कैसे होगा, अब देखिए आई कैप ये हो गया, आई कैप एक्स एक्सिस का होगा डायरेक्शन, और वाई जे कैप कौन हो गया? वाई एक्सिस का डायरेक्शन है ना, जे कैप आई कैप जे कैप, आई किधर हो गया? ये, और जे कौन हो गया? वाई एक्सिस। अब दोनों के बीच क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ क्या होगा? वन गुना कॉस 90 बराबर कॉस 90 का मान जीरो, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। इस कंडीशन में देखिए, अब देखिए एक जे कैप है और एक क्या है, अब इधर था ना एक्स एक्सिस, अब कौन आ गया? जेड एक्सिस किधर आ गया? बाहर की ओर। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, वन गुना वन कॉस 90 बराबर जीरो, क्योंकि कॉस 90 का मान जीरो, तो जीरो से किसी संख्या में गुना करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो ही आ जाता है। अब देखिए आई डॉट के, अब आई डॉट के है, देखो आई डॉट के ये वाला हो गया, अब इसमें से वाई हट गया, तो क्या बचेगा? यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 होगा, तो वन गुना वन कॉस 90, यहाँ भी जीरो आ रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। यानी कि दो लंबवत सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, ठीक है, हमेशा जीरो होता है। ये परपेंडिकुलर का साइन है, लंब का, पोज कर दीजिए। यहां देखिए, अब आप लोग को हम बताते हैं कि इसका परिमाण कैसे निकालेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया रहो तो उसका परिमाण कैसे निकालेंगे? तो यानी वेक्टर ए डॉट, सबसे पहले यदि आपको वेक्टर ए बराबर दे दिया हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यही होता है रे बाबू। और वेक्टर बी बराबर क्या होता है बाबू? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब देखिए, अब इसका अगर हमको डॉट निकालना हो, क्या निकालना हो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या निकालना हो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए लिखिए क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब सबको गुणा करने आता है ना, तो हम यहाँ से गुणा करना स्टार्ट करते हैं। पहले उठाइए ए एक्स को, उठाइए और सबसे गुना कीजिए, ऐसे होता है ना गुना रे, तो सबसे पहले ए एक्स को उठाएंगे, तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप होगा, फिर प्लस होगा, प्लस है तो ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप इंटू जे कैप होगा ना, प्लस फिर क्या होगा? ए एक्स बी जेड इंटू आई कैप इंटू के कैप होगा, फिर अब प्लस चलेंगे, अब ए वाला का टंटा खत्म हो गया, अब ये ए वाई वाला का उठाएंगे, ए वाई वाला को उठाएंगे तो क्या होगा? ए वाई इंटू बी एक्स जे कैप इंटू आई कैप होगा ना, जे कैप इंटू आई कैप, फिर प्लस ए वाई इंटू बी वाई जे कैप इंटू जे कैप, इसमें भी जे है, इसमें भी जे है,
फिर प्लस, फिर क्या होगा, ए वाई बी जेड आई सॉरी जे कैप इंटू के कैप। अब फिर यहीं से करेंगे, फिर यहां से प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस, ए वाई वाला खत्म हो गया, अब ए जेड वाला, ए जेड इंटू बी एक्स के कैप इंटू आई कैप प्लस ए जेड इंटू बी वाई के कैप इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू बी जेड के कैप इंटू के कैप, यही होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, आपको ये बताए थे कि आई डॉट आई क्या हो जाता है, आई डॉट आई 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 कैप क्या हो जाता है वन, जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाता है वन, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाता है वन। वही अगर यदि उल्टा रहता आई डॉट जे क्या हो जाता है जीरो, मतलब जो भी लंब होगा वह टर्म क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लंब वाला कौन है, आई कैप जे कैप, तो क्या हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा वन, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, ये भी टोटल टर्म क्या असमान है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, इसमें ये भी जीरो, इसमें तो जीरो नहीं होगा जे डॉट जे है, तो क्या बचेगा ए वाई इंटू बी वाई इंटू वन प्लस। अब देखिए ये वाला जीरो हो जाएगा, फिर ये वाला क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये वाला के डॉट के वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए जेड बी जेड इंटू वन। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिमाण क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिमाण हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अगर यदि डॉट प्रोडक्ट बोले तो समान वाला को गुना कर दीजिए, बस हो गया, निकल गया, ठीक है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया, हाँ नहीं हाँ पूछ कीजिए, पूछ पूछ पूछ। वेक्टर ए बराबर थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप एंड वेक्टर बी बराबर फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस सिक्स के कैप, तब इसका क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, हाँ और दो नंबर में दो को क्वेश्चन दे देते हैं, वेक्टर ए बराबर सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप, वेक्टर बी बराबर थ्री जे कैप प्लस फाइव थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप, इसको बना लीजिएगा दोनों। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फाइंड, ये दो सवाल आप लोग बना के रखिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जय हिंद जय भारत।